आपको बता दूं कि एनडीएमसी में आए दिन किसी न किसी का धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है। केस का मामला है, संविदा कर्मचारियों का मामला है, वही टीएमआर 10-12 साल से सर्विस कर रहे हैं, लेकिन आज तक न उन्हें आरएमआर बनने का मौका मिला और ना ही उन्हें पक्का कर पाए। जहां बात आती है मोदी की गारंटी, जहां महिलाओं का सम्मान, जहां भारतीय जनता पार्टी के मोदी की गारंटी के तर्ज पर लेती है एनडीएमसी बड़े बड़े फैसले, लेकिन क्यों है टीएमआर आज नाकाम? टीएमआर वालों का आज धरना था गेट नंबर 1 एनडीएमसी पे। जिस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें धरना से रोका गया, जिस प्रकार से उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, जिस प्रकार से उन्हें डिटेन किया गया, वो कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी पर सवाल अवश्य उठाएगा। टीएमआर कर्मचारी भी मन बना चुके हैं, संघर्ष तो उनका जारी रहेगा, लेकिन देखना है एनडीएमसी के कर्मचारियों को कि एनडीएमसी प्रशासन संज्ञान में लेती है या नहीं लेती है। वही बहुत बड़ी चुनौती देखने को मिल सकती है एनडीएमसी में, आरएमआर और टीएमआर और डेथ केस और संविदा कर्मचारियों की संख्या बल कहीं ना कहीं हजारों की तादाद में है। आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में क्या कुछ होगा, इनका मूड या बहुत बड़ा सवाल यह निशान रखता है। जिस प्रकार से इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया आप देख पाएंगे इस वीडियो में, और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि किस प्रकार से लोग धरना कर रहे थे, इनके साथ धक्का मुक्की हुई, इन्हें बाई गाड़ी में बैठा करके इन्हें कहीं अतिरिक्त जगह छोड़ा गया। कहीं ना कहीं ये सवाल तो सबके जेहन में होगा, लेकिन देखते रहिएगा जन संसद न्यूज। अपना कमेंट बॉक्स में देना। तो आप हर तरीके से कर्मचारियों का शोषण कर रहे हो। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिन ठेकेदारों को आपने परमिशन दे रखी है वो हर तरीके से शोषण कर रहे हैं, उनसे आपको क्या मिल रहा है? वो आपकी जेब में भर रहे हैं क्या? कर्मचारी कहाँ जाएंगे? कर्मचारियों को क्यों नहीं उनको सुनी जाती? उनकी बात क्यों नहीं रखी जाती? उनके हक अधिकार का उनको क्यों नहीं मिलता है? हमारे कर्मचारी, हमारे टीएमआर, हमारे डेथ केस वाले सब परमानेंट होने चाहिए। आपने हर तरीके से परेशान किया है। हमारे टीएमआर रो रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। सिंह चौहान जी, आप लोगों की लड़ाई में अपनी लड़ाई समझकर लड़ने का इन लोगों ने संकल्प लिया, तो मैं चाहूंगा दो शब्द वो भी आप लोगों के संदर्भ में रखें। हमारे आदरणीय सम्मानित सूबेदार वीर सिंह, गरीबों की सरकार कोई कभी नहीं बनी, आज तक सरकारें बनी है बड़े बड़े धरना सेठों की, क्या सही कह रहा हूँ? आज तक बड़ी बड़ी सरकारें बनती है बड़े बड़े धरना सेठों की। आप यदि मुझे परमिशन क्यों नहीं है? मैं फौजी हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, ये क्या कह रहे हो? मुझे परमिशन नहीं है, मुझे परमिशन बोलने की क्या? भाई मैंने कोई गलत बोल दिया क्या? मैंने क्या बोल दिया? आराम से बोली बात करिए, क्या बात करिए? ये मालिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, नहीं होगा। पूरा देश आगे का साथियों, इस देश में क्रांति आएगी, भारत माता की। फांसी लगा दीजिए गरीबों की आवाज, हम लोग क्या है इस देश में? मुझे आगे सुन लीजिए, फांसी मत गोली मारिए, मैं गलत कर आप हमारे मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकते, दुनिया हमारे अभिव्यक्ति के स्वतंत्र। ड्राइवर यहाँ पे सर ठेका कर दिया उन्होंने, ठेकेदार हमें नोस्ता